सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसेस मालिनीज वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाइए मेरे सारे मेकअप एंड स्किन के रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस मालिनीज वर्ल्ड और मैं हूँ मालिनी। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेस मास्क जो आपके बॉडी या फेस में जो टैन है वो रिमूव करता है। ये सिर्फ फेस के लिए नहीं, ये मास्क पूरे बॉडी के लिए। इसके अलावा ये सिर्फ टैन रिमूव ही नहीं करता, आपके स्किन को और ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, आपके स्किन को एकदम ग्लोइंग फ्लॉलेस बनाता है एंड साथ ही साथ आपका जो स्किन टोन है उसको और ज्यादा ब्राइटन एंड लाइटन करने में भी हेल्प करता है। एंड आपके जितने भी ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है नोज एरिया में, उसको भी रिड्यूस करने में ये मास्क हेल्प करता है। तो एक मास्क आपके बहुत सारे आपको फायदे दिला सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लेंजर, एक स्क्रबर और एक मास्क तीनों का काम करता है। तो आपको अलग अलग क्लेंजर एंड स्क्रबर एंड मास्क का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फेस मास्क जो तीनों का काम करेगा। आप इस मास्क को हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए और अगर आप टैन रिमूव करने के लिए इस मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, तो ये एकदम सेफ है आपके स्किन के लिए, एकदम हार्मलेस है, आप इसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। एंड ये फेस मास्क ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, तीनों स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप एकदम टेंशन फ्री होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे आप इस फेस मास्क को बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है, वो सब मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, मैंने अभी अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। फेस को नॉर्मल वाटर से आपको फेस को क्लीन कर लेना है एंड टॉवल के साथ इसको पैट ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे ड्राई स्किन में ये मास्क जो है उसको अप्लाई करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया। इस मास्क को मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। इस मास्क का एक अच्छी बात ये है कि आप इस मास्क को पूरे सिर्फ फेस के लिए नहीं, पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत टैन है वहाँ पे ही आप ये मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ऐसे हाथों में ले लिया है, अपने फिंगर टिप पे इसको अच्छे से ले लिया और अभी मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा के इसको अच्छे से मसाज करूँगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, फेस का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप इसे बहुत ज़ोर से रब मत कीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से इसको जेंटली आपको इसे रब करना है। पूरे फेस पे आपको ऐसे रब करना है, स्पेशली नोज एरिया जो है, जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा ब्लैक हेड्स होने का चांस होता है, वहाँ पे आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। नोज एरिया के आसपास आप बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए, रब कर लीजिए, बहुत ही जेंटली, बहुत ही हाथों को, फिंगर्स को आपको सॉफ्ट तरीके से इसको अप्लाई करना है। नोज के एकदम टिप पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम ये सब नोज के चारों तरफ से ही होता है। 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपको वेट करना है, मतलब ये नहीं कि आपको इसे ड्राई करना है, बस सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट कीजिए। तब तक अगर ड्राई होता है तो गुड, ड्राई नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से रब कर लूंगी पूरे फेस पे, मेरे चिन एरिया में भी, आप नेक
भी नेक पे भी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एंड पूरे बॉडी में तो कर ही सकते, लेकिन टैन एक ही दिन में रिमूव नहीं होगा। आपको एक दिन यूज़ करने के बाद आपको देख सकेंगे कि वो थोड़ा कम हुआ है, बट एक दिन में पूरा टैन कभी भी रिमूव नहीं होता है। तो टैन रिमूव करने के लिए आपको हफ्ते में से 2 से 3 बार अप्लाई करना होगा। तो देख सकते हैं अभी 5 मिनट हो गया और मेरा जो स्किन है, ये जो मास्क है, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और मेरा स्किन जो है वो और ज़्यादा खींचा खींचा सा फील हो रहा है। तो यही सही टाइम है इसको वॉश कर लेने के लिए। और आप वॉश करने से पहले थोड़ा सा पानी फेस पे लगा के आप फिर से एक बार इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके रब कर लीजिए, उसके बाद आप फेस को क्लीन कर लीजिए। तो मैं भी अपने फेस को क्लीन करके अभी आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद मैंने कोई भी मेकअप या क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं किया। आप देख सकते हैं मेरे फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है एंड इसका जो थोड़ा सा स्किन टोन भी थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो आप पहले का और अभी का कंपेयर करके देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड पे एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा, तभी जाके आपको मेरे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, लाइक करना, शेयर करना सब कुछ फ्री है। तो आप एक बार ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको कोई पैसे का देने का ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ इतना करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।